क्रिकेट की दुनिया में अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी की वजह से मशहूर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की विज्ञापन जगत में भी खूब डिमांड है। हर कंपनी चाहती है कि वो उनके साथ जुड़े और उनके कंपनी का प्रचार करे। लेकिन इस मामले में विराट कोहली ने अपने कुछ उसूल बना रखे हैं। जी हाँ, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने 1 करोड़ रुपए की डील को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वो उनके उसूलों के खिलाफ था। जी हाँ, इस डील को ठुकराते हुए इस बात की जरा भी फिक्र नहीं की कि उन्हें इससे करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक विराट कोहली खुद कोई सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीते, इसलिए उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी के साथ डील करने से इनकार कर दिया। विराट कोहली ने कंपनी से यह कहा कि जब उस चीज का इस्तेमाल ही नहीं करते तो उसका प्रचार क्यों करें? आपको बता दें कि विराट के सख्त ट्रेनिंग सिस्टम में सॉफ्ट ड्रिंक के लिए कोई जगह नहीं है। वो खुद को फिट रखने के लिए बहुत कड़ी ट्रेनिंग करते हैं। आपको बता दें कि विराट कोहली बिल्कुल भी जंक फूड का इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए फिटनेस टेस्ट में वो हमेशा टॉप पर रहते हैं। हाल ही में हुए फिटनेस टेस्ट में कोहली ने सबसे ज्यादा 21 अंक बटोरे थे। जिस फिटनेस टेस्ट में कोहली को सबसे ज्यादा नंबर मिले थे उसी में युवराज सिंह नाकाम साबित हुए थे और श्रीलंका दौरे पर नहीं जा पाए थे। अब विराट कोहली की ईमानदारी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए भारी पड़ सकती है, और अगर ऐसा है तो विराट कोहली को उन कंपनियों के लिए साइन करना मुश्किल होगा जिनके प्रोडक्ट विराट इस्तेमाल नहीं करते हैं। वायरल क्रीड़ा न्यूज़।